वहीं देहरादून आईएसबीटी के पास संडे मार्केट लगने का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट में नगर आयुक्त और वित्त अधिकारी नगर निगम पेश हुए, जिसके बाद कोर्ट ने 2 महीने के भीतर आईएसबीटी के पास बाजार के लिए तय स्थान को साफ करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यहां संडे मार्केट लग सके। आपको बता दें कि पहले ये बाजार लैंसडॉन चौक पर लगाया जाता था, लेकिन नगर निगम ने संडे मार्केट को हटा दिया। संडे मार्केट सोसाइटी ने उनको हटाए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, तो कोर्ट ने निर्देश के बाद 4 स्थानों का चिन्हीकरण किया, जिसमें पेट्रोल पंप आईएसबीटी के पास बाजार लगाने की सहमति बन गई। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। जो लैंसडॉन चौक पे लगती थी, तो उसकी सोसाइटी के द्वारा एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी और ये मुद्दा 2-3 साल से चल रहा था। तो फाइनली एक जगह उन्होंने चूज की थी जो आईएसबीटी पेट्रोल पंप के पास है और वो बहुत गंदी थी। तो आज कोर्ट ने इनके इंजीनियर्स को बुलाया था, नगर निगम देहरादून के, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है और 2 महीने का टाइम इनको दिया गया है कि 2 महीने के अंदर वो जो जगह जो आईएसबीटी चौक पे है, जो वीकली संडे मार्केट में चूज की है, उसको कंप्लीट साफ करेंगे और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। तो हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के डायरेक्शन में वो जगह अब साफ हो जाएगी। ये कहा गया था कि हमारी संडे मार्केट जो लगी है वो पहले लगती थी लैंसडाउन चौक इधर परेड ग्राउंड पे, जिसको हटा दिया गया था। उसके बाद हमने जब कोशिश की तो गवर्नमेंट ने हमको 4-5 ऑप्शन दिए, उसमें से हमने ये वाला ऑप्शन जो आईएसबीटी जो सॉरी पेट्रोल पंप के पास है आईएसबीटी देहरादून, वो हमने चुना था। लेकिन चूंकि वहाँ कूड़ा पड़ता था, तो अब ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि आप 2 महीने में साइट को एकदम साफ करके बाजार लगाने के लायक बनाएं।